तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाठौर कंप्यूटर में। तो आज की वीडियो में आपको हम लाडली बहन योजना के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों इसके बारे में आपको इस योजना का क्या उद्देश्य है, इसमें किन किन लोगों को पात्र किया गया है, तो इस वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके और वीडियो आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश लाडली बहन योजना क्या है। दोस्तों इस योजना के तहत राज्य के निम्न मध्यवर्गीय और गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत राज्य में बहनों को प्रतिवर्ष 12,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। और दोस्तों यह जो फॉर्म है वो 5 मार्च से यहाँ पर भराने स्टार्ट हो जाएंगे। इस मौके पर श्री रश्मि चौहान ने कहा कि 5 मार्च से लाडली बहना योजना के फार्म भरना प्रारंभ हो जाएंगे। इसके लिए जो गांव-गांव में शिविर लगाकर फार्म भरे जाएंगे। इसके बाद जून महीने से गरीब और निम्न मध्यवर्गीय परिवार के बहनों को खाते में पैसे आना शुरू हो जाएंगे। प्रत्येक महीने की 10 तारीख को पैसे खाते में पहुंच जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना के लिए पात्रता शर्तें बताई है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए 3 कैटेगरी तय की गई है। पहली कैटेगरी में प्रदेश के सभी गरीब बहनों को योजना का लाभ मिलेगा। दूसरी कैटेगरी में उन बहनों को योजना में पात्र माना जाएगा जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम की ज़मीन होंगी। तीसरी कैटेगरी में उन बहनों की होंगी जिसमें सालाना आमदनी 2.5 लाख या उससे कम है। इसके लिए सिर्फ स्वघोषित फार्म भरना होगा। दोस्तों यहाँ पर जो आपको पूरी जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी, आप इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ सकते हो, यहाँ से आप पूरी जानकारी आप ले सकते हो। मैं दोस्तों जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको मैंने यहाँ से बता दी है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।